बीकानेर के खाजूवाला में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान से अंगारे फिलहाल बरस रहे हैं। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। गर्मी के कारण आम जनजीवन पर भी खासा असर नजर आ रहा, तो वहीं पर तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। इसके बाद भी पुलिस की टीम मुस्तैदी से डटी रही है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने लू से झुलस रहे खाजूवाला क्षेत्र का लिया जायजा। संक्रमण से बचने के लिए जहां एहतियात के तौर पर लोग घरों में रह रहे हैं, तो वहीं पिछले 7 दिनों से समूचे राजस्थान में तेज लू की लपटों ने झंकोर दिया है। बात करें तो इस खाजूवाला क्षेत्र की, जहां पर एक रेगिस्तान इलाका है, इस क्षेत्र के अंदर बड़ी लू चल रही है। पिछले 7 दिनों से लगातार तेज आंधी और लू की लपटों के बीच खाजूवाला घिरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैदी से डटी हुई है। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर पुलिस पूरे दिन नाकाबंदी करती, जाने वाले साधनों को चेक करती है। वहीं बात करें तो बीकानेर जिले के अंदर पिछले 7 दिनों से लगातार लू का प्रकोप चल रहा है। तेज गर्मी व लू के बीच भी पुलिस मुस्तैदी से डटी हुई है। वहीं लॉकडाउन का प्रभाव अब लू का भी एक सहारा मिल रहा है। लू के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार लू चल रही है, तो वहीं खरीफ की फसल, बात करें नरमा व मूंगफली की फसल भी, जो बीज है अंकुर नहीं हो रहा है। तेज तपती लू के कारण किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। यहां पर खाजूवाला के अंदर लॉकडाउन के चलते जहां सीआई विक्रम चौहान के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते हुए तेज गर्मी व लू के चलते यहाँ पुलिस को क्या हिदायत दी जा रही है और किस तरीके आप यहाँ पर नाकाबंदी कर लू से बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखो लॉकडाउन हो रहा है, साथ साथ में लू और कोरोना दोनों का मुकाबला जनता कर रही है। जो जनता को समझाइश कर रहे हैं कि भी आप समय पर अपना सामान खरीदें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, आपस में एक दूसरे से गैप बना के चले, जिससे कोरोना से मुकाबला हो सके। जो अपने ये लू चल रही है पिछले 5 से 3 से, गर्मी बहुत ज़्यादा 49 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो लोगों को हिदायत दी जा रही है, समझाइश की जा रही है कि अपने घरों में रहें। बिल्कुल, खाजूवाला थाना अधिकारी विक्रम चौहान का कहना है कि लू से बचने के लिए हिदायत दी जा रही है। वहीं कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, वहीं 2 बजे तक जो बाज़ार खुलता है समय पर अपना सामान खरीदें, ताकि आने जाने वाले साधन है वो भी, आप देख रहे हैं सड़कों पर लगभग सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर पिछले 3 दिनों से 47 करीब के पहुँच चुका है और 50 डिग्री के करीब तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच चुका है। ऐसे में इस समय जो खेतों में जो किसान है, उनमें भी एक दिक्कत ये आ रही है कि जो खरीफ की फसल है, बात करें मूंगफली व नरमे की फसल भी इस समय खराब हो रही है। खाजूवाला क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान क्षेत्र है, टिब्बा रेतीला क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी तेज लू की लपटें जो चलती है, इसके लिए यहाँ पर हिदायत भी दी जा रही है। और बात करें तो थाना अधिकारी के द्वारा कोविड-19 से बचने के साथ साथ लू से बचने के लिए भी अपने कांस्टेबल को भी हिदायतें दी जा रही है। A1 TV के लिए